हेलो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई इज राइट एंगल। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसको हम लोग ड्रॉ कर लें, इसमें एंगल वाई जो है ये वाला, इसको वाई मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, एंड एक्स वाई और जेड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई 2√3 यूनिट्स, एंड दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना किसका है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब देखिए, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स कॉस एक्स का उल्टा होता है, और कॉस एक्स हो गया आपका बी बाय एच, कॉस एक्स हो गया बी बाय एक्स, तो सेक एक्स हो जाएगा एच बाय बी, क्योंकि कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है, माइनस टेन एक्स, टेन एक्स होता है आपको पी बाय बी, तो ये हो गया पी बाय बी। अब ध्यान दीजिएगा, एच यहाँ पर राइट एंगल के सामने जो होता है वो साइड होता है पोटेन्यूस, तो ये हो गया एक्स जेड, एक्स जेड बाय बी। अब देखिए, यहाँ पर कॉस एक्स है, एक्यूट एंगल एक्स है, तो बी हो जाएगा आपका क्या चीज़, एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई माइनस पी, ये आपको टेन एक्स है, टेन एक्स के लिए आपका हो गया, ये एक्यूट एंगल एक्स है, तो इसके लिए पी हो गया वाई जेड। एक्यूट एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया आपका वाई जेड अपॉन बी हो गया एक्स वाई। अब आसान है, क्या करें, एलसीएम हो गया एक्स वाई, यहाँ बचा एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक्स जेड माइनस वाई जेड इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 अब बाय एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/√3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।